रामपुर में देश भर से आए किन्नरों ने बुधवार को शांति पूर्वक कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में किन्नर बैंड बाजों की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। नगर के लोगों ने कलश यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया और जलपान की व्यवस्था भी करवाई गई। यात्रा को देखने के लिए नगर सहित क्षेत्र की महिलाएं व पुरुष और युवाओं की भारी भीड़ सड़कों व छतों पर उमड़ पड़ी। मुरादाबाद मार्ग स्थित पृथ्वी बैंकट हॉल में पिछले 5 दिन से किन्नरों के गुरु रहीमन की वर्षी के उपलक्ष्य में चल रहे 10 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन में देश भर के किन्नर भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में टांडा की मुन्नी किन्नर के नेतृत्व में किन्नरों ने मंगलवार को भी थाने वाले मंदिर में चार पूजा की थी। बुधवार को किन्नरों ने पृथ्वी बैंकट हॉल में मोहल्ला नवाबपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतवाली मुख्य रामपुर सदर बाजार सर्राफा मार्केट नगर पालिका कार्यालय होते हुए घड़ियाली मार्ग स्थित विश्वनाथ मढ़ई मंदिर होते हुए कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा का नगर के लोगों ने भव्य स्वागत किया और जलपान भी करवाया। बैंड बाजों की धुन पर किन्नर नृत्य कर रहे थे। आधा दर्जन बग्घियों पर किन्नर बैठे हुए थे। कलश यात्रा को देखने के लिए नगर व क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। कलश यात्रा संपन्न होने के उपरांत किन्नरों की ओर से मंदिर के लिए 15 किलो का घंटा भेंट किया गया। वही सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाल जीत सिंह व भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात रहा। यात्रा के दौरान जाम लग गया था। पुलिस ने यात्रा आगे बढ़ाने के बाद आगमन जारी करवाया। इस दौरान मुन्नी किन्नर, नरगिस किन्नर, मुस्कान किन्नर, राखी किन्नर, बॉबी किन्नर आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। वहीं स्वागत करने वालों में मनोज कुमार वर्मा, कपिल कुमार वर्मा, मयंक वर्मा, कृष्ण वर्धन वर्मा, अनंत कुमार आदि मौजूद रहे। आज जो पूजा हुई है, क्या महत्व है इस पूजा का? हमारे राम राज्य से, हमारे बुजुर्गों से सगन होता चला आया है। राम जन्म बधाई ली थी जब भी ये सगन होया था, और विवाह की बधाई ली थी, धनस याग होया था जब भी ये सगन होया था। तो हमारी माइयों से बहुत टाइम से और बहुत सदियों से ये सगन चला रहे। आज चाक पूजाई थी और चाक पूजा सारे किन्नरों ने मिलकर की और सारे देश के लिए और अपने शहर के लिए प्रार्थना करी कि भगवान अच्छा रखे, माता रानी अच्छा रखे, अल्लाह बनाए रखे, आगे समझ में ये सबका भला हो। धन्यवाद। सर, किन्नर समाज सम्मेलन में आप यहाँ पहुँचे हैं, तो किस तरीके का जो है ये एक संदेश देते हैं किन्नर समाज? देखिए, ये इनका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और मेरी जानकारी में आया है कि ये हर साल के राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं, कोई जगह बदल के। इस बार इन्होंने हमारे रामपुर में टांडा तहसील में किया है और पार्टी के लोगों ने आग्रह किया था कि इस सम्मेलन में शिरकत करनी है। मैं सम्मेलन में आया हूँ क्योंकि ये जो किन्नर समाज है, ये भी अपने ही समाज के बीच का परिवार है और किसी न किसी उसमें ये हम लोगों के साथ जुड़ा रहता है और हमेशा खुशी की कामना करता है और खुशियों में ही इनका जाना आना रहता है। तो इसलिए हमने समझा कि इससे उन्होंने सम्मेलन बुलाया है, मैं सम्मेलन में आया।